रिहाड़ी के गरीब परिवार में मैं इस समय मौजूद हूं और एक बुजुर्ग माँ जिसकी जो है वो दीवार गिरने की वजह से टांग यहां पर कट गई है और परिवार का इस समय यहां पर बुरा हाल है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे लेकिन काफी दुखद है और परिवार इस समय यहां पर काफी ज्यादा परेशान हाल है कि जो यहां के कारपेंटर हैं वो भी यहां पर हैं और बीजेपी से युधवीर सेठी जी भी यहां पर पहुंचे हैं। मैडम ये क्या हुआ इनको? शाम के टाइम वापस आ रहे थे, इसलिए घर में जो काम करते हैं बर्तन साफ करके वापस आ रहे थे। पहली बात ये उन्होंने काम लगाया था, मकान तोड़ रहे थे, उन्होंने कोई बैनर कोई पोस्टर कोई लिख के कुछ नहीं लगाया था। तो जैसे ही काम करके आ रहे थे तो इनके पिलर ने जो दबा दूसरा पिलर वो इनके ऊपर गिर गया, वो इनकी टांग दो जगह से टूट गई है। अब इनकी देखो आप देख सकते हैं कि टांग बिल्कुल कट गई है, पैर का अंगूठा भी कट गया है। वहाँ पे जब हम लेके गए ना, हमें हमारे साथ वो तीन चार बार लड़ चुका है इंसान, वो जबरदस्ती वो छुट्टी लेके आया है इनको, घर ले चलो घर ले चलो, हम देखेंगे देखेंगे। जैसे हम घर आए ना उन्होंने अपने रंग बदल दिए, अपने रंग बदल दिए। अब वो फाइलें डिचार्ज कार्ड जो फाइलें पेपर वो सब कुछ लेके आए, वो हमें धमकी देते हैं कोर्ट में जाओ थाने जाओ। मैं खुद एक लायर हूँ, मैंने 3 डिग्रियां की हुई है, तो मुझे मेरा कुछ नहीं कोई पकड़ सकता। मैं 250 रुपए महीने का चलान भर सकता हूँ, मैं सुबह अंदर जाऊंगा शाम को बाहर आ जाऊंगा, 250 रुपए चलान है महीने का। वो हमें यही बार बार यही धमकियां देता है, हमारी कोई सुनवाई नहीं। आप देख सकते हैं मेरी मम्मी जो किराए पे रहते हैं, हम यही कमाते थे यही खाते थे यही किराया देते थे, अब हमारे पास कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं हम किराए पे रहते हैं। देख सकते हैं कि बुजुर्ग माँ का इस समय यहाँ पर रो कर बुरा हाल है। माता जी कौन था वो जिसकी दीवार गिरी थी जिनकी? एक्सीन है वो, क्या कह रहे हैं वो अभी मदद नहीं कर रहे? नहीं कर रहा, जो मर्जी करो जहाँ मर्जी चले जाओ, जो मर्जी करो मेरी गला खाने चले जाओ दादी चले जाओ जितना मर्जी चले जाओ, तुम्हें कोई नहीं सुनेगा। यार ये एक्सीन रखना कंध गिरी थी ना, वो बोला मेरे को उस वक्त नहीं बोला उसने कुछ के मैं मदद करूँ ना, कुछ नहीं बोला उसने। मेरे को बहुत तंगी, अस्पताल ही मेरे से ऐसा लड़िया बोला मेरे को अस्पताल पता नहीं है थोड़ी, इतना लड़िया मेरे से कहा कि तू मेरे को मुंह खोला ना तो देखे तेरे को कैसा कैसा करना। आप देख सकते हैं जिन्हों की हड्डी टूटी है, अंदर टांके हैं जो चीन के अंदर नीचे टांगे हैं, ये अंदर सारे टांगे जीप के 2 कट्टे हो गए, वहाँ टांके लगे हैं टूट गए, सारे टांग सारे टूट चुके हैं इनके। देख सकते हैं कि फिलहाल काफी दुखद है लेकिन जो यहाँ की कारपेंटर वो भी यहाँ पर पहुंचे। निधि जी क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए बहुत बुरा लगता है जब लोग अपनी इंसानियत तक भूल जाते हैं, जब उनको ये भी याद नहीं रहता हमारी वजह से किसी की जान जा सकती थी, हमारी वजह से किसी की टांग नहीं रही। यही एक अकेली औरत थी जो घर चलाती थी, जो लोगों के घर बर्तन साफ कर कर अपनी 2 बेटियों को पालती थी, आज इनका कौन करेगा यहाँ पर? और 1 महीने से वो बंदा जो है वो इनको लारे पे लारे लगा रहा है कि मैं ऐसा नहीं मैं ये कर दूंगा, और अब बाकी उसकी धमकियां भी स्टार्ट हो गई हैं। आपको यहाँ बुलाने का आज यही मोटिव है कि वो जो एक एक्सीएन की अपनी पोस्ट पे बैठा है तो उसको और अपने आप को एक लॉ ग्रेजुएट बता रहा है, रादर देन की एक इंसानियत को भूलकर आज आप सबको यहाँ बुलाने का यही है कि प्लीज उसको कहिए कि सीधे तरीके से आकर कंपनसेट करे, जो बनता है जितना हो सकता है जो कर सकता है वो यहाँ आकर करे, रादर देन इसके बाद फिर इससे भी ऊपर हम कुछ ना कुछ करेंगे पर उसको छोड़ेंगे नहीं। क्या लगता है कि उसको सब कुछ कानून के बारे में पता होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं जानबूझकर वो इस तरह से इनको हरासमेंट कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, एक तो कानून की और ऊपर से एक्सीएन की पोस्ट पर बैठा है तो उसको लगता है कि नहीं मैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगाकर अपने आप को सेव कर लूंगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरी वार्ड की महिला है, मैं एंड तक इनके साथ खड़ी रहूंगी, जब तक वो यहाँ आकर माफी नहीं मांगेगा और प्लस कंपनसेट नहीं करेगा हम उसको बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। बिल्कुल सिद्ध साहब क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं, परिवार के हाल आपने यहाँ पर देखा है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी दुख भरी घटना है और समाज का पढ़ा लिखा समाज जिसमें से एक एक्शन उठकर ऐसी घटना करे, शर्म आनी चाहिए ऐसी पढ़ाई के ऊपर। मैं सिविल सोसाइटी को कहना चाहता हूँ कि आप सब खड़े होकर इस परिवार की मदद करें और अगर इस एक्शन को थोड़ी शर्म होगी, इसके अंदर इंसानियत होगी, इसके अंदर थोड़ी वफादारी होगी समाज के लिए, तो इसको आगे बढ़कर इस घर में आकर माफी मांगनी चाहिए और इस महिला के पैर पकड़कर धोकर पीने चाहिए। कहीं ना कहीं जो अपराध किया जाता है जाने अनजाने के अंदर, पर उस अपराध के बाद अगर आप लोग
उस अपराध के लिए क्षमा ना मांगे या उस अपराध के लिए जो व्यक्ति पीड़ित है उसकी मदद ना करें तो भगवान भी क्षमा नहीं करता। बिल्कुल, इसको चाहिए कि यहाँ पर आए, इस परिवार की जितनी मदद हो सकती है करे, हम सब मिलकर भी तन मन धन से इस परिवार की सहायता करेंगे। पर इसके साथ साथ मैं सिविल सोसाइटी से भी अनुरोध करता हूँ, आए इस महिला की जो टांग कटी है, जो एक मात्र सहारा था इस परिवार का, रोजी रोटी का, बिल्कुल बिल्कुल, इसकी आके मदद करें। और हमारा समाज कमजोर नहीं है, जिसको खड़ा करना चाहता है कर सकता है, हम सब मिलकर इस परिवार को खड़ा करेंगे। बिल्कुल, रिहाड़ी में एक गरीब परिवार के बीच हमें समय मौजूद थे, यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला जो कि लोगों के घरों में जो है बर्तन साफ करने का काम करती थी, और ऐसे में एक दीवार गिरने से जो है उसकी टांग कट गई है और काफी गंभीर चोटें उसे आई हैं, लेकिन एक एक्शन पर यहाँ पर गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, उनके द्वारा कोई भी किस तरह का कंपनसेशन जो है इन्हें यहाँ पर नहीं दिया गया। और लोगों की बात करें तो लोकल्स लोग अभी आगे आए हैं और इंसाफ के लिए जो है अपील कर रहे हैं। फिलहाल आप जनता अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा और इस परिवार की मदद के लिए जो है आगे जरूर आए। तो फिलहाल चंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? अब जो एक्शन जो हमारे पास आया था, हमारे कुछ लड़के थे, हम पार्क में खड़े थे, हमारे साथ बात की और लास्ट में उसने धमकी तक दी और उसने ये तक कहा, अब जो कुछ आपने करना है आपका भी, इतना उसने कहा। मेरा कहने का मतलब कि कोई अच्छा नहीं लगता, अगर इसकी थोड़ी मदद करेंगे हम भी करेंगे, बिल्कुल, महल्ले वाली भी इसके रिश्तेदार सब कुछ है, लेकिन मैं उनसे अच्छे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और आकर उनसे बातचीत करें। बिल्कुल, आप देख सकते हैं एक्स काउंसलर भी इस बार के हमारे साथ थे, जिन्होंने अपील की है कि जल्द से जल्द इस तरह के एक्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।